हमारे दो टॉपिक बचे चैप्टर के वन इस ईआरपी अनदर सिक्स सिग्मा. पहले कौन सा करना चाहते हो ईआरपी करना चाहते हो आर इजी है ठीक <laughs> है पहले सिक्स <laughs> कर लेते हैं नो no प्रॉब्लम <laughs> दो टॉपिक बचे हमारे बाकी सब हो गया ना, कुछ छूटा नहीं है ना मेरे हिसाब से नहीं छूटा है है ना बस दो टॉपिक है और आप देखोगे ना मैंने पूरा मॉड्यूल कवर किया दस कि तो बजे एकांशा में ग्यारह बजे तक छोड़ूंगी चलेगा ग्यारह बजे तक छोड़ूंगी चलेगा ठीक हाँ है आदि हाँ 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 एक बजे जोरे यहाँ तो सो गए रात में और कर, कर लोगा क्या कर लोगे क्या कर लोगे मैं यहाँ तो फिर क्या बोलते हैं और वो भी एक साल से टाइमिंग एक ही पर सब एक सब्जेक्ट से करना करने ओके ओके इंतजार होने लगती है दिन बचा नहीं है अगर नहीं जब तक टाइम भी नहीं होना होगा

Uh, क्या बोलते हैं या तो मैसेज कर देना या तो कॉल कर देना मैं जब भी फ्री रहूंगी कॉल बैक कर लूंगी ठीक है बट फाइनली अपनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्लास इतने टुकड़ों में हुई है ना कि क्या बता है? पहले जुलाई में हुई है सेप्टेम्बर फिर अक्टूबर मतलब एक एक लेक्चर करके टुकड़ों में हुआ है बट आपको ऐसा दिक्कत तो नहीं किया ना अच्छे से हो गया ना ठीक है बहुत टुकड़ों में हुई है फाइनली उसका एंड होने जा रहा है तो चलो स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके <laughs> 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 ओके ग्रेट ठीक है स्टार्ट uh, करें ओके okay. स्टार्ट करते हैं फटफट -फट से करेंगे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कर दूं ग्यारह बजे तक वैसे सिक, सि सिग्मा थोड़ा बड़ा टॉपिक है बट आई ट्राई माई बेस्ट ई पी छोटा सा टॉपिक है ई पी तुरंत हो जाएगा ई आर पी ईजी भी है सिक्स सिग्मा थोड़ा बड़ा है अब देखो सिक्स सिग्मा आपका चौथा टेक्निक है

Uh, कोई प्रोडक्ट हम बता रहे हैं बना रहे हैं मान के चलो हम uh, हम कपड़े बना रहे हैं तो कई सारे डिफेक्टिव कपड़े बन जाते हैं ना किसी में छेदा हो जाता है किसी में कट लग जाता है किसी में कलर खराब हो जाता है तो डिफेक्टिव कपड़े बनते हैं कि नहीं जिसको बाद में आधे रेट में बेचना पड़ता है समझ रहे हो तो सिक्स सिग्मा का कंसेप्ट यह है कि हमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं बनाना है <coughs> अगर हम दस लाख प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 3.4 प्रोडक्ट डिफेक्टिव होने चाहिए उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए हमें उस लेवल पे पहुंचना है तो उसको बोलते हैं सिग्मा सिग्मा छके मार देने हैं ठीक है छह <laughs> छके अलग होते हैं मैं जस्ट क्रिएट करने के लिए बोल रही थी सिग्मा सिग्मा ये जो होता है ना बेसिकली आपके सिक्स वो होते हैं आ, रेटिंग्स होते हैं कि अगर आप अपना डिफेक्ट लेवल ऑफ डिफेक्ट कम कर पा रहे हो तो आप लेवल वन से लेवल टू में पहुंच रहे हो फिर आप आप अपना डिफेक्ट और कम कर पा रहे हो तो लेवल टू से लेवल थ्री में पहुंच रहे हो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना होता है यहाँ भी क्यों क्योंकि मैडम एक बात बताओ मैं अगर आज के दिन पे अगर दस, दस लाख प्रोडक्ट बना रही हूँ मान के चलो मैं कपड़े बनाती हूँ मैं जीन्स बनाती हूँ मैं जीन्स बनाती हूँ दस लाख जींस अगर बनाती हूँ तो उसमें से मान के चलो मेरे एक लाख डिफेक्टिव निकलते हैं बहुत ज्यादा नहीं है एक लाख तो बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया चलो दस हजार अगर मैं दस लाख जीन्स बनाती हूँ तो उसमें मेरी दस हजार जीन्स डिफेक्टिव बनती हैं बचे कुछ जो हैं दस लाख में दस हजार हटा देंगे तो कितना बचा नौ लाख नब्बे हजार है ना नौ लाख नब्बे हजार मेरे सही बन रहे हैं दस हजार मेरे डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन रहे हैं तो दस हजार जो जीन्स है किसी किसी में कट लग जा रहा है कोई फट जा रही है किसी में स्टिचिंग सही नहीं आ रही है किसी का कलर खराब हो जा रहा है किसी में दाग धब्बे लग जा रहे हैं तो मेरे डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन रहे हैं किसी ना किसी कारणवश तो क्या वो दस हज़ार अच्छा है नहीं अच्छा नहीं है मैं इसको कम करने का कोशिश करूंगी अगली बार मैं ट्राई करूंगी कि दस लाख में सिर्फ पाँच हज़ार डिफेक्टिव प्रोडक्ट बने उसके बाद मैं ट्राई करूंगी सिर्फ तीन हज़ार डिफेक्टिव प्रोडक्ट बने फिर मैं ट्राई करूंगी कि भैया सिर्फ एक हजार डिफेक्टिव प्रोडक्ट बने फिर मैं ट्राई करूंगी बस पाँच सौ डिफेक्टिव प्रोडक्ट बने फिर मैं ट्राई करूंगी बस सौ डिफेक्टिव प्रोडक्ट बने फिर मैं ट्राई करूंगी बस पचास बने तो ये जो आपको लेवल और कम करना रहता है एक बार में नहीं होता है ये धीरे धीरे करके होता है तो ये यहाँ भी एक कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट का पॉइंट है कि आपको अपना देखो सिग्मा मतलब एकदम बस इसी के इर्द गिर्द पूरा सिख सिग्मा घूम रहा है कि आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट कम से कम बनाने हैं डिफेक्टिव प्रोडक्ट कम से कम बनाना है बस इसी के सिक्स सिग्मा घूम रहा है सिक्स सिग्मा यानी आपको प्रोडक्ट कम कम से बनाना है और इसके लिए आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है डिसिप्लिन रहना पड़ता है और स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे एक स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे कि हाँ तीन डिफेक्टिव प्रोडक्ट मतलब तीन डिफेक्टिव प्रोडक्ट उससे ज्यादा नहीं तो जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे अपने आप को एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन नहीं दोगे स्ट्रेटेजी uh, नहीं बनाओगे तब तक आप सिक्स सिग्मा को अचीव नहीं कर पाओगे तो ये क्या होता है ये एक डिसिप्लिन स्टैटिस्टिकल बेस्ड डेटा ड्रिवन क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम होता है ये भी एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम होता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा टीक्यूएम में तो सब जगह है क्वालिटी 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 यहाँ भी आपको बोल रहा है कि एक डेटा ड्रिवन क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम है जो ये फोकस करता है कि आप डिफेक्टिव प्रोडक्ट कम से कम बनाओ आप डिफेक्टिव प्रोडक्ट कम से कम बनाओ आपके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अच्छे बने क्योंकि देखो क्या होता है जब आपके डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनते हैं ना तो आपको उसको आधे रेट में बेचना पड़ता है तो आपका नुकसान है डिफेक्टिव प्रोडक्ट बिकवाने के लिए अः डिफेक्टिव प्रोडक्ट बिकवाने के लिए आपको रेट आधा करना पड़ेगा ना? नहीं तो कौन खरीदेगा आप बोलते हो ना भैया तो डिफेक्टिव आधे रेट में दो तो Uh, आपको प्रोडक्ट के लिए uh, रेट कम में बेचना पड़ता है तो उससे आपका बहुत नुकसान हो जाता है इसीलिए आप कम से कम डिफेक्ट बनाएं और uh, आपको सिक्स सिग्मा का कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर आप एक मिलियन प्रोडक्ट बना रहे हो एक मिलियन यानी कि दस लाख प्रोडक्ट बना रहे हो तो दस लाख में से थ्री प्रोडक्ट से ज्यादा इफेक्टिव नहीं होना चाहिए सबसे पहले कौन सी कंपनी ने सिक्स सिग्मा का अडॉप्ट किया था मोटोरोला वहां भी थी कहां पर में भी थी यहां भी है ठीक है? है।, GE है तो ये कुछ बेसिक बात है अब यहाँ पर आप अपना डिफेक्ट दस हजार से कम करके तीन में लाना चाहते हो तो एक बार में हो जाएगा क्या नहीं यहाँ आपको कंटिन्यूस साइकिल ऑफ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा यानी कि कंटिन्यूस रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट

तब जाके आप सिक्स अचीव कर पाओगे तो जब आप सिक्स को टारगेट करते हो ना कि मुझे तो सिक्स अचीव करना है तो ये एक तरह का आपका बिजनेस स्ट्रेटेजी की तरह एक्ट करता है आपका विजन की तरह एक्ट करता है आपका बेंचमार्क की तरह एक्ट करता है आपका गोल की तरह एक्ट करता है बात को समझो जब आप जब आप <coughs> <coughs> जब आप सिक्स अडॉप्ट करते हो तो सिक्स सिग्मा आपको एक टारगेट देता है आपका बें यह तीन तीन तो एक बेंच मार्क बन, बन गया कि यहाँ तक पहुंचना है अभी हम दस हजार डिफेक्टिव बना रहे हैं तीन से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं बनाना है तो वो आपका एक बेंच बन गया जैसे एग्जाम्पल देती हूँ पिज्जा टाइम डिलीवरी का पहले पिज्जा टाइम डिलीवरी में मान के चलो साठ मिनट लगता था एक घंटा

दस uh, लाख में से सारी की सारी पिज्ज़ा डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए फोर्टी फाइव मिनट्स में होनी चाहिए सिर्फ थ्री पॉइंट फोर डिलीवरी लेट हो सकती है थ्री पॉइंट फोर से ज्यादा डिलीवरी लेट नहीं होनी चाहिए बाकी सारी टाइम पे होनी चाहिए फिर जैसे आपने ये बेंचमार्क अजीब कर लिया 45 मिनट्स का फिर आप अपने बेंच मार्क को वापस 45 से 30 मिनट्स में लेके आओगे कम करोगे कि अब मुझे पिज्ज़ा डिलीवरी 30 मिनट के अंदर अंदर करना है और अगर 30 मिनट में नहीं किया तो Uh, हमने बोल दिया हम आपके पैसे वापस कर देंगे तो ये क्या है आप बेंचमार्किंग uh, में टारगेट uh, बनाते हो अपना कि मुझे अपना डिफेक्ट रेट इससे ज़्यादा नहीं करना है तो वो आपका एक बेंच बन जाता है जो 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 आप uh, जो आप आप बेंच सिग्मा बनाते हो वो आपका लॉन्ग टर्म होता है क्योंकि आप उसमें उसको एक बार में अचीव नहीं कर सकते है. तो ये आपका एक लॉन्ग टर्म विजन की तरह एक्ट करता है और क्योंकि विजन यानी लॉन्ग टर्म तो आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी बन जाती है ये स्ट्रेटजी यानी लॉन्ग टर्म तो सिग्मा आपका एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बन जाता है जो कि आपके रिवेन्यू इंक्रीज करने में फोकस करता है कॉस्ट कम करने में ऑब्वियसली डिफेक्टिव प्रोडक्ट कम बनाओगे तो कॉस्ट कम हो जाएगा और प्रोसेस आपका इम्प्रूव हो जाएगा जिससे कि डिफेक्टिव कम प्रोडक्ट बनेगा तो सिग्मा आपका एक स्ट्रेटी की तरह एक्ट करता है विजन की तरह एक्ट करता है बेंच की तरह एक्ट करता है गोल की तरह एक्ट करता है कि यहाँ तक हमारा यह गोल है तीन से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं बनाने हैं तो ये आपके गोल की तरह एक्ट करता है ये आपके एक मेजर की तरह एक्ट करता है मेजर यानी तरीका किस तरह से आप अपना डिफेक्टिव प्रोडक्ट मेजर कर सकते हो तो ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है स्टैटिस्टिकल यानी नंबर का यूज करके इस तरह से नंबर का यूज करके सिग्मा का यूज करके परसेंटेज जब हम ऐसे नंबर्स का यूज करते हैं ना उसको स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है तो आप ऐसे नंबर्स का यूज करके सिक्समा मेजर करते हो जैसे लेवल uh, इंक्रीज हो रहा है देखो आपका डिफेक्ट रेट कम हो रहा है आपने पहले तीन लाख डिफेक्टिव बनाया फिर सिक्सटी सिक्स थाउजेंड डिफेक्टिव बनाया फिर सिक्स थाउजेंड इफेक्टिव बनाया फिर टू थर्टी थ्री डिफेक्टिव बनाया फिर थ्री पॉइंट फोर फोर डिफेक्टिव बनाया तो आपका डिफेक्ट रेट जैसे कम होते जा रहा है आपका सिग्मा लेवल बढ़ते जा रहे हो मतलब आप लेवल अप होते जा रहे हो पहले आपका सिग्मा लेवल टू था फिर वो बढ़ के व्री हो गया फिर वो बढ़ के फोर हो गया फिर वो बढ़ के फाइव हो गया फिर वो बढ़ के सिक्स हो गया तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता जा रहा है पहले आपने सिक्सटी नाइन परसेंट सही प्रोडक्ट बनाया फिर नाइन्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री फिर नाइनटी नाइन पॉइंट थ्री एट फिर नाइनटी पॉइंट नाइन सेवन फिर पॉइंट नाइन 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 सिक्स सिक्स परसेंट सही प्रोडक्ट बनाया सिर्फ जीरो पॉइंट जीरो 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 फोर फोर परसेंट जो है डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाया आपने तो इस तरह से स्टैटिस्टिक्स यानी नंबर नंबर का करके, का यूज यूज करके करके आप मेजर करते हो कि आपने कितना कितना डिफेक्ट बनाया बनाया डिफेक्टिव प्रोडक्ट इसीलिए ये आपका एक स्टैटिस्टिकल मेजर की तरह होता है स्टैटिस्टिकल मेजर यानी डेटा ड्रिवन मेथोडोलॉजी ये जो स्टैटिस्टिकल डेटा है ना इसको डेटा ड्रिवन बोलते हैं ये एक डेटा ड्रिवन मेथडोलॉजी है जहां आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम आप नंबर्स का यूज करके एनालिसिस करते हो कितना डिफेक्ट हुआ क्यों हुआ क्या प्रॉब्लम थी तो ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है लास्टली ये एक रोबस्ट रोबस्ट यानी वेरी स्ट्रिक्ट बुलेट प्रूफ अगर आप सिग्मा अडॉप्ट करते हो ना कोई नुकसान नहीं है सिर्फ फायदा ही फायदा है सिर्फ फायदा ही फायदा कोई नुकसान नहीं है तो ये एक रोबस्ट मेथोडोलॉजी है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है आपके आप अगर इसको अडॉप्ट कर लिए सौ टका ये आपको रिजल्ट देगा ही देगा ये एक बुलेट प्रूफ मेथड है जो आपको रिटर्न देगा ही देगा अगर आप सिक्स सिग्मा अडॉप्ट कर लोगे ना आपका डिफेक्ट रेट कम होगा ही होगा तो ये एक रोबस्ट मेथोलॉजी है जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है आप एक बुलेट प्रूफ की तरह है जो आपको इंप्रूवमेंट देगा ही देगा आपको रिटर्न देगा ही देगा सो सिक्स एक्ट एज योर स्ट्रेटेजी विजन योर बेंचमार्क योर गोल योर स्टैटिस्टिकल मेजर योर रोबस्ट मेथोलॉजी समझ में आया समझ में आया ठीक है नेक्स्ट इज ये ऐसी बात दिया हुआ है कि आप ना अपना सिग्मा लेवल इंप्रूव करते जैसे मैंने दिखाया ना कि आप जैसे जैसे आपका डिफेक्ट रेट कम होते जाते आप पहले तीन लाख डिफेक्टिव प्रोडक्ट बना रहे थे साठ हजार फिर छह हजार फिर, फिर दो दो सौ फिर तीन तो जैसे जैसे आपका डिफेक्ट रेट कम होता रहता है ना आप लेवल अप होते जाते हो जैसे अभी आपका सिग्मा लेवल अपन है सिग्मा लेवल टू है, न, सिग्मा लेवल लेवल है 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 वैसे ना ना इसमें जो होता वो तक जाता इसीलिए इस मेथड का नाम है सिग्मा और जब आप एकदम हाइएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हो ना जब आपका डिफेक्ट थ्री पॉइंट फोर से ज्यादा नहीं होता है ना जब आपका डिफेक्ट थ्री पॉइंट फोर से ज्यादा नहीं होता है ना तो ये बोलते हैं आपने सिक्स सिग्मा अचीव कर लिया आपने सिक्स सिग्मा अचीव कर लिया तो इसका जो मैक्सिमम सिग्मा होता है ना वो सिक्स

द गोल इज कंटिन्यूसली इंप्रूव टू सिग्मा लेवल आप एक एक करके सीढ़ी चढ़ते हो यहाँ भी टीक्यू के जैसे जैसे अभी सिग्मा लेवल टू पे हो आपको फिर थ्री पे आना है फिर थ्री से इम्प्रूव करके फोर पे आना है फिर फोर से इम्प्रूव करके फाइव पे आना है फिर फाइव से इम्प्रूव करके सिक्स पे आना है सिक्स आपका मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल है तो आप धीरे धीरे करके अपनी करंट परफॉर्मेंस देखते हो फिर एक एक करके धीरे धीरे एक एक करके सिग्मा लेवल इंप्रूव करते जाते हो स्ट्राइविंग टूवर्ड्सिक्स सिग्मा अल्टीमेटली हमें एक एक करके एक एक करके मैक्सिमम सिक्स सिग्मा तक पहुंचना है इवन इफ द इम्प्रूवमेंट डू नॉट रीच भले ही अपन सिक्स सिग्मा तक नहीं पहुंचे तो भी हर जो अपन एक एक लेवल इंप्रूवमेंट कर रहे हैं उससे भी अपना कॉस्ट कम होगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगा जैसे मान के चलो अगर हम पिज्जा बना रहे हैं तो मान के चलो मेरे पास दुकान में सौ कस्टमर, कस्टमर आए सौ कस्टमर आए सौ कस्टमर में से नाइनटी नाइन कस्टमर का पिज्जा एकदम बेहतरीन बना एक कस्टमर के पिज्जा में कॉकरोच आ गया एक कस्टमर के पिज्जा में कॉकरोच आ गया तो आप क्या चाहेंगे आप चाहेंगे कि अगर आप डोमिनोज के ओनर हो आप चाहोगे क्या कि एक कस्टमर के भी पिज्जा में कॉकरोच आए एक कस्टमर का पिज्जा भी खराब हो न्यूज बन जाएगा भैया तो 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 आप 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 नहीं चाहोगे तो बेसिकली आप तो चाहते चाहते हो हो अपना डिफेक्ट लेवल जीरो करने का आप चाहते हो आपके सारे प्रोडक्ट बने मान के चलो आप सो आईफोन बना रहे हो आईफोन बना रहे हो सौ आईफोन बना रहे हो आपको लगता है भले ही आप नाइनटी नाइन अच्छे आईफोन बना दो एक डिफेक्टिव आईफोन बना दोगे तो वो बेचारा जो एक कस्टमर होगा जो डिफेक्टिव आईफोन खरीदेगा क्या वो डिससेटिस्फाइड नहीं होगा बिल्कुल डिससेटिस्फाइड होगा बोला गया एक तो आईफोन खरीदा ऊपर से डिफेक्टिव मेरे को लगता है मेरा आईपैड डिफेक्टिव है मेरी, मेरी पेंसिल भी डिफेक्टिव है मेरे को लगता है मैं बहुत डिससेटिस्फाइड हूँ आईपैड से तो ठीक है तो वो डिससेटिस्फाइड नहीं हो जाएगा कि एक तो इतना खर्चा किया ऊपर से डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल गया तो इसीलिए

जो ये तीन लाख कस्टमर ये तीन लाख डिफेक्टिव प्रोडक्ट खरीदेंगे और okay. होंगे ना अब मान के चलो आप सिक्स पे तो नहीं पहुंचे बट टू से थ्री सिग्मा पे आ गए यानी कि आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट लाख से कम होकर शिक थाउजेंड में आ गया तो अब क्या आपका कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन कम होगा क्या कस्टमर कंप्लेंट कम होगा ना पहले तीन लाख कस्टमर को कंप्लेंट होती अब सिक्सटी सिक्स थाउजेंड कस्टमर को कंप्लेंट होगी शि तो भले अभी भी काफी कस्टमर को कंप्लेंट होगी लेकिन कम होगा ना पहले के कंपैरिजन में तो कम होगा ना और आपका कॉस्ट भी तो कम होगा ना डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपको सस्ते में बेचना पड़ता है तो आपका कॉस्ट भी तो कम होगा तो कहने की बात यह है मैडम मैं कहना यह चाहती हूँ कि भले आप सिक्स सिग्मा पे नहीं पहुंचो लेकिन हर लेवल के साथ आप हर लेवल जो इम्प्रूव करते हो ना यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ हर लेवल के साथ आपका कॉस्ट कम होता है और आपका कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ता है समझ में आया समझ में आया क्या हाँ ठीक है तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भले आप सिक्स सिग्मा नहीं पहुंचो लेकिन जैसे जैसे आप एक एक लेवल इंप्रूव करते जाते हो वन लेवल से टू लेवल टू से थ्री तो उसके साथ आपका कॉस्ट कम हो जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाता है और यहाँ पर छह लेवल होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और जब आप फाइनल

मिनिमाइज द वेरिएशन बेसिकली आपके को कम करता है और आपके कस्टमर सैटिस्फेक्शन अच्छा क्या इम्पोर्टेंस है वाई सिक्स यहाँ पर लिख लो इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंस है

फैक्ट्री डिफेक्ट और स्क्रैप कम होगा हाँ कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा हाँ एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि आपका साइकिल टाइम रिड्यूस हो जाएगा बाकी तो हमें पता ही है कि ये सारे बेनिफिट है इसलिए आपको अडॉप्ट करना चाहिए ठीक है द स्कोप ऑफ सिक्स जरूरी नहीं है कि सिक्स सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में हो बल्कि आजकल सिग्मा टाइप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है अगर आपको क्वेश्चन आए कि क्या सिक्स सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो सकता है बाकी जगह नहीं यूज नहीं हो सकता तो ये फॉल्स होगा आंसर जरूरी नहीं है कि सिग्मा आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज करो आजकल हर टाइप के बिजनेस इंडस्ट्री में सिख सिग्मा यूज होने लगा है जरूरी नहीं है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सिग्मा क्या स्टेप्स आपके हैं सिक्स अचीव करने के लिए तो दो सिचुएशन दो है पहली सिचुएशन आप ऑलरेडी शादीशुदा हो पहली बीवी से सेटिस्फाइड नहीं हो इसलिए दूसरी बीवी ला रहे हो ठीक है मतलब घर वालों के सामने तो नहीं देख रहे हो ना लगा रखी हो ना ठीक है तो सी एस सी डी के बच्चे बहुत बदमाश हैं मैं बहुत अजीबो गरीब एग्जाम्पल देती हूँ ना अपने घर वालों के सामने ऑनलाइन क्लास देखते हैं बोलते हैं मेरी मम्मी पापा सुन रहे हैं आपके एग्जाम्पल्स मैं बोलती हूँ हाई अल्लाह ऐसा मत करो यार ठीक है तो दो सिचुएशन है पहला ऑलरेडी कोई दूसरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो बट वो वर्क नहीं कर रहा है तो आप प्रोसेस चेंज करना चाहते हो और सिक्स करना चाहते हो तो उसके स्टेप दूसरे होंगे और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है पहली बार बीवी घर में ला रहे हो तो उसके स्टेप दूसरे होंगे यानी कि आपका पहले से कोई प्रोसेस नहीं है आप फॉर द फर्स्ट टाइम सिक्स करना चाहते हो आपका पहले से कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस नहीं है आप फॉर द फर्स्ट टाइम सिग्मा अडॉप्ट कर रहे हो तो आपका प्रोसेस होगा आई डू वी और अगर आप ऑलरेडी कोई दूसरा प्रोसेस फॉलो कर रहे थे बट वो अच्छा नहीं है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आप चेंज करके सिग्मा में आना चाहते हो तो उसका प्रोसेस हो जाएगा डी मैक डी मैक अब इसका शॉर्टकट क्या है जब आप पहली बार शादी करते हो तो अंग्रेज अंग्रेज लोग नहीं क्रिश्चियन लोग क्या बोलते हैं क्रिश्चियन लोग क्या बोलते हैं शादी करने के लिए आई डू बोलते हैं आई डू आई डू आई डू देखियो ना क्रिश्चियन लोग मैरिज में कोर्ट में बोलते हैं आई 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 डू 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 तो बोल के पहली बार वो लोग शादी करते हैं ठीक है तो ये सिचुएशन टू का शॉर्टकट क्या हो जाएगा अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है पहली बार आप शादी कर रहे हो अभी तक आपका कोई प्रोसेस अडॉप्टेड नहीं है पहली बार सिक्स सिग्मा अडॉप्ट कर रहे हो तो शॉर्टकट हो जाएगा आई डू आई डू आई डू वी आई डू आई डू पहली बार शादी कर रहे हो आई डू बोल रहे हो आई डू वी इसका शॉर्टकट हो जाएगा आई डू वी और ऑलरेडी शादी कर चुके हो बट सेटिस्फाइड नहीं हो तो दूसरी बीवी घर पे ला रहे हो तो उसका प्रोसेस हो जाएगा डी मैक डी मैक अब देखो आप ऑलरेडी कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे थे बट वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सुधारने के लिए दूसरा लाने के लिए आपको सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो सबसे पहले पॉइंट हो जाएगा आपका डी डी फॉर डिफाइन द प्रॉब्लम व्हाट इज प्रॉब्लम कैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे कस्टमर के कम्प्लेन के थ्रू यानी वॉइस ऑफ कस्टमर जिसको हम बोलते हैं वॉइस ऑफ कस्टमर वॉइस ऑफ कस्टमर कस्टमर से पूछोगे जिसे मान के चलो मैं ईयरफोन्स बना रही हूँ डिफेक्टिव ईयरफोन्स बन रहे हैं ठीक है मैं ऑलरेडी कोई प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ तो अब मुझे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है तो मैं कस्टमर से पूछूंगी तो कस्टमर बोल रहे हैं कि हम आपका ईयरफोन जब भी खरीदते हैं तो थोड़े टाइम के बाद एक कान का हमेशा खराब हो जाता है एक कान का हमेशा खराब हो जाता है तो ये अपन ने कस्टमर से पूछा कस्टम वॉइस ऑफ कस्टमर के द्वारा हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम क्या है डिफाइन किया प्रॉब्लम उसके बाद आपको मेजर करना पड़ेगा कंप्लीट पिक्चर करंट स्टेट आपको देखना पड़ेगा करंटली मैं कितने डिफेक्टिव प्रोडक्ट बना रही हूँ आप अपने सारे करंट जितने भी आपके ईयरफोन्स है उनको आप एनालाइज करोगे कि हम कैसा प्रोडक्शन कर रहे हैं अच्छा कस्टमर का कंप्लेन आ रहा है कि एक कान का खराब हो रहा है तो आप अपना प्रोसेस देखोगे कि आप क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो अच्छा दोनों कान का जब बना रहे हो तो एक कान का बनाने में क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है दूसरे कान का बनाने में क्या प्रोसेस हो रहा है दोनों ईयरबड्स बनाने में क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है क्यों एक कान का खराब हो रहा है वायर में दिक्कत आ रही है कहाँ दिक्कत आ रही है तो आप मेजर करोगे कि आ, क्या प्रोसेस चल रहा है करेंटली क्या प्रोसेस चल रहा है और करंटली अच्छा आपके कितने ऐसे इयरफोन्स है जिसमें एक कान का डिफेक्टिव है तो आप मेजर करोगे करंट स्टेट आपकी अब आप प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश प्रॉब्लम आपको पता चल गई आपने करंट सेट देख लिया तो प्रॉब्लम पता चल गई अब आप रीजन ढूंढने की कोशिश करोगे कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है अच्छा एक कान का डिफेक्टिव बन गया तो आप रीजन ढूंढने की कोशिश करोगे कि क्यों ये डिफेक्टिव हो रहा है अच्छा ये वायर एक कान का ना लंबा होता है तो खिंचा जाता है इसका वायर में ये दिक्कत आ जाता है वो दिक्कत आ जाता है इसीलिए एक कान का खराब हो जाता है तो आप रीजन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे एनालाइज करोगे रीजन क्या है कॉज कॉज क्या है वेरिएशन का डिफेक्ट का कॉज क्या है यानी रीजन क्या है फिर अब रीजन पता चल गया तो रीजन पता चल गया तो इंप्रूव कर लो अब आप इंप्रूव कर लोगे तो आ, वो चेंजेस कर लोगे यानी वेरिएशन कर लोगे डिफेक्ट कम करोगे और लास्ट में कंट्रोल करोगे उसको यानी प्रॉपर टाइम टू तो टाइम उसको कंट्रोल करते रहोगे कि फिर से कोई चेंजेस करने की नीड है कि नहीं सो दिस इज योर प्रोसेस इफ यू आर इट

तो अब आप, आपको पता चला ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करोगे तो उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले आप प्रॉब्लम ढूंढोगे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है रात को नींद भी आती है पढ़ाई भी नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम ढूंढोगे उसके बाद मेजर करोगे करेंटली आप क्या फॉलो कर रहे हो करेंटली आपका शेड्यूल क्या है फिर आप प्रॉब्लम फाइंड आउट करोगे की अच्छा प्रॉब्लम क्यों आ रही है प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं आ रहा मुझे नींद आ रही है फिर आप अपने प्लान में चेंजेस करोगे की नहीं एक काम करते है रात को सो जाएंगे सुबह उठ के पढ़ेंगे तो आप प्रॉब्लम इंप्रूव करोगे और फिर टाइम टू टाइम उसको कंट्रोल करते रहोगे समझ में आया डी Act. d for define the problem m for measure the complete picture of the current state a for analyze the reason i for improve and c for control this is your steps of six sigma adopting six sigma if you're already having a process and then you are not satisfied and then you are shifting to six sigma Samjmayasajmaya

तो हमसे वेट नहीं होता है फिर हम इंतजार करते रहते हैं वेट नहीं होता है ऐसे कुछ भी कॉल आता है ऐसे लगता है अरे डिलीवरी बॉय का कॉल आया इतना इंतजार होता है तो हमें ना डिलीवरी टाइम पे चाहिए तो आपने कस्टमर से पूछा तो आपने कस्टमर के वॉइस के बेसिस पे आपने अपना गोल आइडेंटिफाई किया अब आप अपना प्रोसेस डिजाइन करोगे जिसमें आप सोल्यूशन वगैरह बेस्ट प्रैक्टिस डिजाइन करोगे कि अच्छा सब कुछ रेडी रहेगा बेस मटेरियल सब रेडी रहेगा तुरंत ऑर्डर आएगा पैन में डालेंगे एकदम फटफट से बेक होगा पिज्जा तुरंत डिलीवरी बॉय सारे रेडी रहेंगे एकदम डिलीवरी बॉय रेडी रहेंगे जैसे ही पिज्जा निकला फटफट -फट पैक करके रेडी टू गो तो आप अपना सिस्टम उस हिसाब से डिजाइन करोगे सोल्यूशन के लिए बेस्ट सिलेक्शन करोगे उसके बाद अपना परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करोगे यानी टाइम टू तो टाइम जो डिफेक्ट रेट है उसको कम 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 करके ऑप्टिमाइज करोगे अपना परफॉर्मेंस ऐसे करोगे ताकि डिफेक्ट कम हो कैसे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करोगे स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के द्वारा क्या है स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग ये 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 इस तरह का टेबल वेबल यूज करके इस तरह का टेबल वेबल यूज करके देखो ऐसे में ऐसे चार्ट्स का यूज करते हैं ऐसे टेबल का यूज करते हैं इसलिए इसको स्टैटिस्टिकल मेजर बोला जाता है ठीक है तो आप ऑप्टिमाइज करोगे कैसे स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग और सिमुलेटिव का यूज करके लास्ट में अगर ये वर्क कर रहा है ये वर्क कर रहा है इस प्रोसेस के द्वारा इस सिक्सिग्मा के द्वारा हम टाइमली डिलीवर कर पा रहे हैं एक भी डिलीवरी लेट नहीं हो रही है तो हम इसको वैलिडेट कर देंगे कि हाँ सही है वैलिडेट कर दो इस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे सो अगर आप फर्स्ट टाइम कोई प्रोसेस फॉलो करते हैं फर्स्ट टाइम सिक्सिग्मा कर रहे हो तो योर

Uh, design o for optimize the performance by using statistical simulative technique v for validate validate are we clear with this are we clear with this these are the designs of six sigma um, uh, sorry this is the steps to adopt six sigma when you're adopting it for the first time so how does this is हाउ सिग्मा वर्क दो सिचुएशन में अलग अलग होता है अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो डी मैक हो जाएगा आपका और अगर कोई भी एग्जिस्टिंग में नहीं है तो आई डू वी हो जाएगा पहली बार शादी करते हो तो ऐसे आई -डू, आई डू बोलते हो शॉर्टकट है ये याद करने का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है डोमिनोज का ही मान के चलो आपकी पिज्जा डिलीवरी की दुकान है अब आप गारंटी कर रहे हो कि मैं तीस मिनट में डिलीवरी कर दूंगा आप चाहते हो कि हंड्रेड परसेंट कस्टमर सेटिस्फाई हो और आपने बोल दिया कि अगर एक भी डिलीवरी टाइम पे नहीं हुआ तो मैं पूरा का पूरा पैसा आपका वापस कर दूंगा डोमिनोज ने ये एक्चुअल में अडोप्ट किया था एक टाइम पे याद याद है वो दिन जब फ्री में पिज्जा मिलता था तीस मिनट के अंदर नहीं होता था तो ये एक्चुअल में डोमिनोज ने अडोप्ट किया था कि हम में डिलीवर करेंगे हमारा एक एक डिलीवरी टाइम पे होगा तीन से ज्यादा डिलीवरी लेट नहीं होगा और अगर हो गया ना तो सौ परसेंट पैसा कर देंगे तो आप लाख में थ्री पॉइंट फोर से ज्यादा डिफेक्ट ना हो तो यानी आप चाहते हो कि जीरो पॉइंट जीरो 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 थ्री परसेंट से ज्यादा डिफेक्ट ना हो यानी आपकी सही प्रोडक्ट कितने बने नाइनटी 99. नाइन पॉइंट नाइन 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 परसेंट आपका प्रोडक्ट और सर्विस सही हो समझ में आया ये 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 लिख लेना ये लिख लेना कितना परसेंट हम चाहते हैं डिफेक्ट में, में है. uh, रेट 99 मतलब है वो जीरो पॉइंट जीरो 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 थ्री परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए यानी कि हर दस लाख में थ्री पॉइंट फोर प्रोडक्ट से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए दस लाख यानी कि वन मिलियन एक मिलियन में थ्री पॉइंट फोर से ज्यादा डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए समझ में आया ठीक है कि आपका डिफेक्ट परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी कितनी होनी चाहिए 99 इसमें हटाना एक, एक, एक ना गलत हो जाएगा इट इज नाइनटी नाइन पॉइंटी नाइन पॉइंट 9997 समझ में आए इसको याद कर लेना ये एमसीक्यू में आ सकता है तो आप चाहते हैं 99 99.9997 परसेंट डिलीवरी टाइम पे करने का और अगर आप वो अचीव कर लोगे यानी सिक्स सिग्मा लेवल तक पहुंच जाओगे तो आपको बोला जाएगा सिक्स सिग्मा शॉप अब इसके पैरामीटर्स जो होते हैं पैरामीटर्स यानी जिन जिन चीजों को आप चेक करते हैं उसको बोलते हैं सीटी क्रिटिकल टू क्वालिटी सी आ जाएगा तो समझ जाना सिक्स सिग्मा से रिलेटेड है तो आप जो पैरामीटर सेट करते हो सिक्स अचीव करने के लिए उसको बोला जाता है सी टी क्यू क्रिटिकल टू क्वालिटी एग्जाम्पल सबसे पहले सी टी क्यू नेम क्या होगा आप क्या क्या मेजर कर रहे हो पिजा की डिलीवरी डिफेक्ट हो हो क्या होगा डिफेक्ट वो होगा अगर आपने तीस मिनट के अंदर डिलीवरी नहीं किया डिलीवरी तीस मिनट से ऊपर हुई तो ये वो डिफेक्टिव माना जाएगा और वो डिफेक्टिव में काउंट होता जाएगा तो ऐसी आपकी डिफेक्टिव डिलीवरी थ्री पॉइंट फोर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए बात समझ में आई अगर आप की डिफेक्टिव डिलीवरी थ्री पॉइंट फोर से ज्यादा नहीं होती दस लाख पिज्जा डिलीवरी में आप सारे के सारे पिज्जा डिलीवर टाइम पे करते हो सिर्फ तीन पिज्जा डिलीवरी तीस मिनट से लेट होती है तो आपने अचीव कर लिया है आपने नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन 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 सेवन अचीव कर लिया है तो आपको बोला जाएगा सिक्स दिस यस लास्ट टॉपिक ऑफ सिक्स में बहुत सारे सर्टिफिकेशन लेवल्स होते हैं

सिक्स सिग्मा एक्सपर्ट्स होते हैं उनको कंपनीज हायर करती है जैसे को सिक्स सिग्मा अडॉप्ट करना है तो वो सिक्स सिग्मा एक्सपर्ट्स लोगों को हायर करेगी तो जो पढ़ाई होती है ना सिक्स सिग्मा की इसमें प्रॉपर कोर्स होता है सिक्स सिग्मा का मैनेजमेंट कोर्स होता है सर्टिफिकेशन होता है इसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह हैंडल करते हैं आपने कितने सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट हैंडल किया है तो तो इसमें ना बहुत सारी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन लेवल होते हैं और आप जैसे जैसे ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन लेवल पार करते जाते हो आपको डिग्री मिलते जाती है एक आपको टैग टैग मिलता जाता है तो कितने सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग लेवल होते, में? आ, होते हैं पांच पहला होता है आपका चैंपियन 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 फिर होता है येलो बेल्ट फिर ग्रीन बेल्ट फिर ब्लैक बेल्ट ये ब्लू मास्टर ब्लैक बेल्ट ठीक है येलो बेल्ट ग्रीन बेल्ट ब्लैक बेल्ट मास्टर ब्लैक बेल्ट वाई जी बी सी वाई जी बी येलो ग्रीन ब्लैक येलो ग्रीन ब्लैक ठीक है अब देखो सबसे पहले चैंपियन सबसे पहले कौन आते हैं चैंपियन चैंपियन अब नाम सुन के आपको लगेगा यार चैंपियन तो सबसे हाईएस्ट लेवल वाले होंगे चैंपियन सबसे लोएस्ट लेवल वाले होते हैं देखो जैसे मान के चलो आप भी पढ़ाई कर रहे हो अभी आपको बस थ्योरेटिकल नॉलेज है क्या आपको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं आपको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो जब आप सिर्फ थियोटिकल नॉलेज मिली आपको तो आप बन जाओगे चैंपियन अब आपने थियोटिकल नॉलेज के बाद मान के चलो आपने अभी कंपनी लॉ के बारे में पढ़ा इंसॉल्वेंसी के बारे में पढ़ा ठीक है तो आपको थियोटिकल नॉलेज मिल गई अब जब आप उसमें उसमें ना प्रॉपर एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन भी होती है जिसको हम सर्टिफिकेशन कोर्सेज बोलते हैं जैसे आपको इंसॉल्वेंसी में और डिटेल में नॉलेज चाहिए तो आप इंसॉल्वेंसी में सर्टिफिकेशन कोर्स कर लो ठीक है तो सिर्फ आपको नॉलेज है थियोरिकल नॉलेज तो तो आप आप चैंपियन हो फिर आपने उस पर और ज्यादा नॉलेज पाने के लिए सर्टिफिकेशन वगैरह कर लिया तो आप येलो बेल्ट में पहुंच जाओगे फिर आपने कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट हैंडल कर लिया तो प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल गया तो आप ग्रीन बेल्ट में पहुंच जाओगे फिर आपने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल कर लिया प्रोजेक्ट के लीडर बन गए तो आप ब्लैक बेल्ट में पहुंच जाओगे और ब्लैक मास्टर ब्लैक बेल्ट तो उनके भी बाप होते हैं तो ये लोएस्ट से हाइएस्ट में जा रहे हैं अपन समझ रहे हो अगर कोई इंसान है जिसने सिर्फ सिक्स सिग्मा का थियोटिकल नॉलेज लिया है उसके पास कोई प्रैक्टिकल स्किल नहीं है कोई सर्टिफिकेशन नहीं है ये सबसे लोएस्ट लेवल है उसको हम चैंपियन बोलेंगे समझ में आया उसको हम चैंपियन बोलेंगे चैंपियन कौन है 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 ये सबसे सबसे बेसिक फॉर्म फॉर्म लोएस्ट नाम सुन के ये रहा सोचना चैंपियन हाईएस्ट है नो no, होगा ना है ना चैंपियन चैंपियन डीजे ब्रावो का नहीं सुनियो नहीं सुनियो सुनियो चैंपियन चैंपियन यस हाई फाई ठीक है तो ये क्या हो गया ये जो सिक्स सिग्मा है ये आपका मोस्ट बेसिक फॉर्म है सर्टिफिकेशन का इसमें ना आपके पास सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज होती है यू अंडरस्टैंड स्किल नहीं होती है आपने अभी तक तो कोई भी प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस नहीं किया है कोई क्वांटिटेटिव स्किल्स नहीं है सिर्फ थ्योरिकल नॉलेज है प्लीज की को ध्यान में रखना चैंपियन यानी आपके पास सिर्फ थियोरिकल नॉलेज है आपके पास कोई क्वांटिटेटिव स्किल नहीं है कोई प्रोजेक्ट आपने कोई भी प्रोजेक्ट में काम नहीं किया है कोई भी प्रोजेक्ट के आप मेंबर भी नहीं रहे हो कोई भी प्रोजेक्ट के आप मेंबर भी नहीं रहे हो कोई भी प्रोजेक्ट में आपने काम नहीं किया है तो आप चैंपियन हो उसके बाद येलो बेल्ट येलो बेल्ट यानी अभी अभी आपके पास प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस भी नहीं है बट हाँ, आपने नॉलेज के साथ साथ ना उसमें सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया है यानी डिटेल नॉलेज गेन कर लिया है तो आप थोड़ा एक लेवल ऊपर चले गए हो तो येलो बेल्ट उन लोगों को बोला जाएगा उन इंसानों को बोला जाएगा जिन्होंने सर्टिफिकेशन पार कर लिया है इस सर्टिफिकेशन का नाम होता है ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेशन यानी कि ग्रीन बेल्ट में पहुंचने के लिए यानी कि कोई प्रोजेक्ट का मेंबर बनने के लिए, कोई प्रोजेक्ट को पार करना है, उस सर्टिफिकेशन कोर्स का नाम है ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेशन। और आप जब वो सर्टिफिकेशन कोर्स पार कर लेते हो तो आपको बोला बेल्ट मेंबर आपको बोला है येलो बेल्ट मेंबर जैसे सी एस एग्जीक्यूटिव में पहुंचने के लिए आपको सी एस एक्सिक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ता है ना सी एस के टी तो वैसे सी एस एक्सिक्यूटिव में पहुंचने के लिए अगर आप सी एस ईटी पास कर लोगे तो आपको क्या लोग सी एस ईटी पास आउट बोला जाएगा वैसे ही ग्रीन बेल्ट में पहुंचने के लिए यानी प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेशन कोर्स पास करना पड़ता है थियोटिकल नॉलेज लेने के बाद सर्टिफिकेशन कोर्स पास करना पड़ जाता है और जब वो पास कर देते हो तो आप येलो बेल्ट के मेंबर बन जाते हो तो यहाँ आप ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेशन पास कर लेते हो बट स्टिल आपके पास प्रैक्टिकल कोई भी प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस अभी भी नहीं है तो यहाँ पर ऐसे इंडिविजुअल आ जाएंगे जिन्होंने ग्रीन बेल्ट का सर्टिफिकेशन तो पास कर लिया है बट उनके उन्होंने अभी तक तो कोई भी प्रोजेक्ट से डील नहीं किया उन्होंने कोई भी, तो कोई भी भी अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है सिग्मा की सिग्मा के टूल्स की डीमैक मेथेडोलॉजिस्ट की डी मैक पढ़ चुके हैं क्या डी मैक अभी तो पढ़े ऑलरेडी बीवी या दूसरी बीवी लानी है तो डी मैक अडॉप्ट करोगे समझ में आया तो इनके पास थियोटिकल नॉलेज होता है और थोड़ा ज्यादा नॉलेज होता है क्योंकि इन्होंने सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया है इन्होंने ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेशन पार कर लिया है अब ग्रीन बेल्ट वाले इन्होंने प्रैक्टिकल इनको प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है इन अब ये प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के मेंबर बन चुके हैं और इन्होंने क्या किया जो जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है उसके सिर्फ ये मेंबर रहे हैं लीडर नहीं रहे हैं लीडर नहीं रहे हैं और जो सिंपल सिंपल चिंदी पुंदी प्रोजेक्ट है ना उसके लीडर भी बन चुके हैं यानी कि जो ग्रीन बेल्ट वाले होते हैं ये सिंपल प्रोजेक्ट को लीड भी कर चुके होते हैं और जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं उसको लीड नहीं करते हैं उसके सिर्फ मेंबर होते हैं अभी इतना ज्यादा रजनीकांत नहीं बने हैं कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के ये सिर्फ मेंबर रहे हैं और सिंपल प्रोजेक्ट को लीड भी कर चुके हैं तो क्या इनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर है हाँ गुड है ये लोग बट बेस्ट नहीं है गुड है बट बेस्ट नहीं है स्टिल अपनी लर्निंग स्टेज में स्टिल लर्निंग स्टेज में इसीलिए ये लोग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के अभी लीडर बनने के काबिल नहीं है सिंपल प्रोजेक्ट के लीडर बन सकते हैं ये लोग बट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लोग सिर्फ मेंबर होते हैं अभी लीडर बनने के काबिल नहीं है क्योंकि अभी भी ये लोग सीख रहे हैं ट्रेनिंग लेवल पे आर्टिकल आर्टिकलशिप पीरियड में समझ लो आर्टिकलशिप पीरियड में आर्टिकलशिप पीरियड में चिंदु बिंदु को सौंप दिया जाता है कि कर लो, आपको गाइड किया जाता है मतलब, जो simple, जैसे अभी आप में हो, तो मिल रहा है लेकिन सिंपल प्रोजेक्ट के आप लीडर बने बनाए गए हो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के अभी आप लीडर नहीं बनाए गए हो आप सिर्फ हो क्योंकि अभी भी आप अपनी लर्निंग स्टेज में हो समझ में आया और इसीलिए इनको वर्क हॉर्सेस बोला जाता है वर्क हॉर्सेस काम करने वाले

कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लोग सिर्फ एज अ टीम मेंबर काम करते हैं और जो सिंपलर प्रोजेक्ट है उसके लीडर की तरह भी काम कर रहे होते हैं सिंपल प्रोजेक्ट है उसके लीडर बन जाते हैं इसीलिए इनको वर्क हॉर्स भी बोला जाता है और इनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होती है आप देखो आर्टिकल शिप पीरियड में आपको ट्रेनिंग मिलती है ना तो इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है डीमैक मैक में स्टैटिस्टिकल टूल में देखो ऊपर वाले के पास ना सिर्फ नॉलेज थी ऊपर जो येलो बेल्ट वाला था उसके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी स्टैटिस्टिकल टूल्स डी मैक मेथडोलॉजी की लेकिन जो ग्रीन वाला है उसको ट्रेनिंग मिल चुकी है ग्रीन बेल्ट वाले को ट्रेनिंग मिल चुकी है स्टैटिस्टिकल टूल्स की -मैक की समझ में आया क्या घुस रहा है ना दिमाग में कि ओवर हो गया घुस रहा है ना ओवर हो जाएगा तो बता देना मैं एक टॉपिक का वीडियो बना के आपको दे दूंगी ज्यादा से ज्यादा दस पंद्रह मिनट का वीडियो बनेगा बट अननेसेसरी अगर दिमाग में कुछ घुस रहा होगा तो नहीं घुस रहा होगा तो अननेसेसरी बैठने की जरूरत नहीं है मेरे को बता देना ठीक है दिमाग में जब तक घुस रहा है तब तक ठीक है ग्रीन बेल्ट वाला हो गया उसके बाद ब्लैक बेल्ट ये लोग ना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के भी लीडर होते हैं ये लोग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के भी लीडर होते हैं ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग होती है आप अपना आर्टिकलशिप पीरियड पार कर चुके हो उसके बाद आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है तो ये जो होती है ब्लैक बेल्ट वाले ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग में होते हैं और ये लोग ना एकदम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के साथ डील करते हैं लोग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लीडर बनते हैं क्रिएट करते हैं खुद ही पूरा प्लान बनाते हैं खुद ही पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं खुद ही प्रोजेक्ट को लीड करते हैं खुद ही प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करते हैं पूरे प्रोजेक्ट को तो ये लोग एकदम लो लीडर होते हैं ये लोग एकदम लीडर होता है ब्लैक बेल्ट वाले ये हाईस्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग में होते हैं और ये खुद ही पूरा डेवलप करते हैं प्लान को सिक्त सिग्मा प्रोजेक्ट के खुद ही पूरा क्रिएट करते हैं प्लान को लीड भी करते हैं डायरेक्ट भी करते हैं दूसरे टीम मेंबर्स में दूसरे जो टीम मेंबर है और ये लोग ग्रीन और येलो वाले को गाइड करते हैं जैसे ऐसा म्यूजिकल कभी म्यूजिकल इंस्टीट्यूट में गए हो जो सबसे टॉप टीचर होता है वो दूसरे लोगों को गाइड करता है समझ रहे हो जो सबसे मेन टीचर होता है जैसे कोरियोग्राफी रेमोडिसूजा है रेमोडिस के अंदर चिंदु बिंदु कोरियोग्राफर्स है

टूल्स एंड टेक्निक का प्रॉपर यूज़ जानता है जैसे कि कंट्रोल चार्ट्स का हिस्टोग्राम का रूट कॉज एनालिसिस का देखो जो जो ग्रीन बेल्ट वाला था ना उसको बेसिक ट्रेनिंग मिली थी तो वो बेसिक डीमैक मेथोलॉजी स्टैटिस्टिकल टूल वगैरह समझ गया लेकिन ये जो ब्लैक बेल्ट वाला है इसको हाईएस्ट ट्रेनिंग मिल गई है तो इसको कॉम्प्लिकेटेड टूल्स भी यूज करना आ गया है इसको कंट्रोल चार्ट हिस्टोग्राम रूट कॉज एनालिसिस जैसे कॉम्प्लेक्स टेक्निक भी का भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर है सारे टेक्निक को यूज कर सकता है लास्टली होते हैं मास्टर ब्लैक बेल्ट ये उनके भी बाप होते हैं ये बाप का बाप है ये देवों का देव महादेव है ठीक है मास्टर ब्लैक बेल्ट ये उनका का भी बाप है एकदम क्लासिकली ट्रेंड होता है मतलब ऐसा होता है ना जो लोग क्लासिकली ट्रेंड लता लता मंगेशकर क्लासिकली ट्रेंड है मतलब वो तो सबकी माँ है तो थी सॉरी तो ये क्या हो जाएगा बोलते हैं ना कि भैया ये बंदा क्लासिकली ट्रेंड है मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं देखो अगर हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग आएगा मतलब ब्लैक बेल्ट की बात हो रही है अगर क्लासिकली ट्रेंड बोल रहे हैं मतलब मास्टर ब्लैक बेल्ट की बात हो रही है ये ध्यान में रखना येगा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ये जो मास्टर ब्लैक बेल्ट होते हैं क्लासिकली ट्रेंड होते हैं तो हम बोलते हैं ना मतलब जो ये बंदा क्लासिकली ट्रेंड है म्यूजिक में सारे सारेगा पता मतलब इसको सब कुछ आता है ये बंदा पूरा क्लासिकली ट्रेंड है इससे ऊपर कुछ नहीं इससे ऊपर कुछ नहीं ये हाइएस्ट लेवल है क्लासिकली ट्रेंड है तो ये बंदा ना ब्लैक बेल्ट वालों को गाइड करता है अब ये मास्टर ब्लैक बेल्ट है ये येलो येलो बेल्ट ग्रीन बेल्ट को गाइड नहीं करेगा ये सिर्फ ब्लैक uh, बेल्ट वालों को गाइड करता है ब्लैक बेल्ट वाले ग्रीन और येलो बेल्ट को गाइड करते हैं यानी मास्टर ब्लैक बेल्ट ब्लैक बेल्ट को गाइड करता है और ब्लैक बेल्ट ग्रीन बेल्ट और येलो बेल्ट को गाइड करता है समझ में आया समझ में आया क्या ठीक है तो ये जो है ये मेंटोर होता है किसका ब्लैक बेल्ट वालों का और सिक्स सिग्मा टीम का थ्रू वेरियस प्रॉब्लम दैट नीड टू बी रिव्यूड बस दो मास्टर ब्लैक बेल्ट के क्लासिकली ट्रेंड होते हैं और ये लोग ब्लैक बेल्ट और टीम मेंबर्स को गाइड करते हैं सिक्स सिग्मा टीम को गाइड करते हैं सो so इसी के साथ अपना सिक्स सिग्मा होता है कंप्लीट ये जो डिफरेंस है बीपीआर और सिक्स सिग्मा का ये आपका होमवर्क है रीड कर लेना कोई पॉइंट कोई डिफरेंस नहीं समझ में आएगा मेरे को व्हाट्सएप में भेज देना मैं ऑडियो नोट बना के आपको भेज दूंगी तो इसी के साथ अपना सिग्मा होता है कंप्लीट एक बार मैं सिग्मा का सर्टिफिकेशन लेवल बोल रही हूँ चैंपियन सिर्फ थियोटिकल नॉलेज होती है उनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है कोई प्रैक्टिकल स्किल नहीं होता है कोई प्रोजेक्ट में काम किए हुए नहीं होते हैं येलो बेल्ट वाले जो होते हैं वो उनके पास भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है ये लोग लो, लेकिन ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेशन कोर्स पास कर लिए होते हैं तो इनके पास ना डीमेट वगैरह का थियोटिकल नॉलेज होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है डीमेट का स्टेटिस्टिकल टूल्स का ग्रीन बेल्ट वाले ना वो ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं तो उनको ट्रेनिंग मिल जाती है ना तो वो समझ लो काम

कर सकते हो लाइव की वीडियो बना के दे दूं। कर सकते दे कर हो कर में तो ठीक हाँ। है तो कुछ नहीं दो तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट है में आप अपना डिफेक्ट लेवल कम कर रहे हो हाँ 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 ठीक है तो सिक्स सिग्मा में दो तीन बात ध्यान रखना आप अपना डिफेक्ट लेवल कम कर रहे हो डिफेक्ट लेवल कम कर रहे हो आप चाहते हो दस दस लाख में यानी कि एक मिलियन में थ्री पॉइंट फोर से ज्यादा डिफेक्ट ना हो यानी परसेंट वाइज में अगर देखें तो जीरो पॉइंट जीरो 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 थ्री परसेंट से ज्यादा डिफेक्ट ना हो यानी आप नाइनटी नाइन पॉइंट इफेक्टिवनेस अचीव करना चाहते हो और जैसे जैसे आप अपना डिफेक्ट कम करते जाते हो ना आपका सिग्मा लेवल बढ़ जाता है एक से दो दो से तीन तीन से चार चार से पांच और हाइएस्ट लेवल होता है सिक्स जब आप नाइन्टी सेवन परसेंट इफेक्टिवनेस में पहुंच जाते हो तो आप सिक्स सिग्मा लेवल अचीव कर लेते हो ये बात ध्यान में रखना और प्रोसेस ध्यान में रखना कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है फिर नया चेंज कर रहे हो तो प्रोसेस हो जाएगा डी मैक डी मैक और अगर फर्स्ट टाइम सिक्स सिग्मा कर रहे हो तो प्रोसेस हो जाएगा आई डू वी डी फॉर डिफाइन द प्रॉब्लम एम फॉर मेजर द करेंट स्टेट ए फॉर एनालाइज द रीजन आई फॉर इम्प्लीमेंट और सी फॉर कंट्रोल उसके बाद आई डू वी में हो जाएगा फर्स्ट आईडेंटिफाई द गोल्स डी फॉर डिजाइन ओ फॉर ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंसिडेट ठीक है आज तो आज तो ना वो हो गया अति हो गई आज तो अति हो, तो हो गई बट ठीक है ई आर पी का मतलब क्या होता है देखो मैं आपको बताती हूँ ई का मतलब क्या होता है जैसे मेरी एक मेडिसिन की दुकान है मेरी एक मेडिसिन की दुकान है कितने सारी मेडिसिन होती है अगर मेरी दुकान में कस्टमर आया भैया मेरे को ये मेडिसिन दे दो कुछ मेडिसिन का अतरंगी सा नाम है एक्स वाई जेड आप अगर फिजिकली मेंटेन कर रहे हो आपको जा जाके दुकान में ढूंढना पड़ेगा कि अरे ये मेडिसिन है कि नहीं ये मेडिसिन है कि नहीं तो बहुत डिफिकल्ट होता है तो आप आजकल कई सारे दुकानों में देखे होंगे वो सॉफ्टवेयर मेंटेन करके रखते हैं उस सॉफ्टवेयर में वो नाम डालते हैं तुरंत डेटा आ जाता है कितना स्टॉक बचा है इस वाली मेडिसिन का अच्छा इसका स्टॉक खत्म होने वाला है अच्छा ये अवेलेबल है कि नहीं देखियो देखियो आजकल बहुत सारी शॉप सॉफ्टवेयर यूज करती है जिसमें उनका पूरा डेटा होता है पूरा डेटा होता है कि कितना स्टॉक अपन ने परचेस किया कितना माल परचेस किया कितना माल अभी है दुकान में कितना माल बिक गया कब कितना बिका पूरा एक सिंगल सॉफ्टवेयर में मेंटेन में होता है वो सॉफ्टवेयर आपका होता है ई जो आपको आपके एंटरप्राइज को रिसोर्स करने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ई एक सॉफ्टवेयर होता है ई एक सॉफ्टवेयर होता है अब ये क्या होता है जैसे मान के चलो मेरा एक बिजनेस है मेरा परचेस का डेटा परचेज वाले डिपार्टमेंट वाले मेंटेन करके रखे हैं सेल्स का डेटा कितनी मेडिसिन सेल हुई सेल्स डिपार्टमेंट वाले मेंटेन करके कर रखे हैं कितना स्टॉक है क्या हुआ सब अलग अलग डिपार्टमेंट में डेटा स्टोर है तो मान के चलो जैसे मान के चलो कोई बल्क ऑर्डर आया किसी कंपनी से बल्क मेडिसिन का ऑर्डर आया तो परचेज डिपार्टमेंट वाले सॉरी सेल्स डिपार्टमेंट वाले को ऑर्डर आएगा तो उसको पहले जाके तो जो स्टॉक मेंटेन करता है उससे पूछना पड़ेगा कि भैया इतना स्टॉक है कि नहीं इस मेडिसिन का इतना स्टॉक है कि नहीं अब मान के चलो अगर स्टॉक नहीं है तो स्टॉक डिपार्टमेंट वाले को परचेस डिपार्टमेंट वाले से पूछना पड़ेगा कि हमारे सप्लायर के पास है कि नहीं उतना परचेस कर पाएंगे कि नहीं हम लोग तो ये बहुत ही अः Uh, बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है जिसमें अलग अलग डेटा अलग अलग डिपार्टमेंट uh, के पास स्टोर होता है बट ईआरपी में क्या होता है ईआरपी एक एक सेंट्रल सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर होता है पूरे बिजनेस का सिंगल अगर आप ईआरपी में डेटा मेंटेन कर रहे हो यानी कि पूरी आपकी कंपनी का पूरे बिजनेस का एक सिंगल सॉफ्टवेयर रहेगा जहां सेंट्रलाइज्ड आप डेटा स्टोर करेंगे सेंट्रलाइज पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है सेंट्रलाइज centralized... क्या हो गया भाई इसको ठीक है छोड़ो इसको जहां पर सेंट्रलाइज पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है तो मान के चलो मैंने मेडिसिन का परचेज किया तुरंत मैं इस डेटा में इस सॉफ्टवेयर में फीड कर दूंगी कि मैंने 100 पैरासीटामॉल खरीदी मैंने 100 पैरासिटामोल खरीदी तुरंत इस सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाएगा जैसे मान के चलो मैंने दस पैरासिटामोल बेच दी तुरंत मैं सॉफ्टवेयर में फीड कर दूंगी इसी में इसी में डेटा फीड हो जाएगा तुरंत इसी में आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपके पास नब्बे पैरासिटामोल का स्टॉक बचा है ये तो इजी डेटा है ना सोचो ना बड़े बड़े जो एकदम हाई लेवल पे बड़े लेवल पे ट्रांजेक्शन होते हैं उनके लिए फिजिकली ये मेंटेन करना कितना मुश्किल हो जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू सब ऑटोमेट हो जाता है पूरा पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है कितना परचेज हुआ कितना सेल हुआ, हुआ तो क्या है ना जो डेटा पहले अपन दस जगह मेंटेन करते थे परचेस डिपार्टमेंट अलग सेल्स डिपार्टमेंट अलग वो सेंट्रलाइज हो गया तो डुप्लीकेसी हट गई एक डेटा को दस जगह मेंटेन करने की जरूरत नहीं है एक ही जगह मेंटेन है अब इसको सब शेयर कर पा रहे हैं इसी सेंट्रल सॉफ्टवेयर को परचेस डिपार्टमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए यहां से दे देंगे सेल्स डिपार्टमेंट को इफॉर्मेशन चाहिए यहीं से दे देंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इनफॉर्मेशन चाहिए यहीं से दे देंगे तो ईआरपी क्या होता है एक सॉफ्टवेयर होता है जहां सारा डेटा सेंट्रली स्टोर होता है और वो सब सब शेयर कर सकते हैं किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो ले लेंगे तो इससे क्या है टाइम कम हो जाता है डुप्लीकेसी हट जाती है रिसोर्स प्रॉपरली मैनेज हो पाते हैं समझ में आया ई आर पी का कंसेप्ट समझ में आया दुकानों में आप प्रैक्टिकली देखे हो बहुत सारी जो ए टू जेड मॉल्स वगैरह होती हैं और सुपर मार्केट स्टोर वगैरह जो होते हैं मेडिकल स्टोर बड़ी बड़ी जो होती हैं वो ये सारा ऑनलाइन ई आर पी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपना डेटा मेंटेन करने के लिए दुकान में कि कितना माल है कितना माल खरीदे कितना माल बेच दिए ये पूरा मेंटेन करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं ना उस सॉफ्टवेयर को बोला जाता है ई आर पी समझ में आया ठीक है अब एक बार ले लेते हैं ई आर पी क्या है ई आर पी एक सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर सिस्टम है software जो कि इंटीग्रेट करता है आपका पूरा फंक्शनल एरियाज अब मेरे अलग अलग फंक्शनल एरियाज है प्रोडक्शन का अलग है परचेस का, का अलग है तो ये जितने भी डेटा है ना सारे डेटा सेल्स का डेटा प्रोडक्शन का डेटा परचेस का डेटा सब एक सिंगल एक सिंगल एक सिंगल एक सिंगल सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर में मेंटेन होगा तो ये क्या करता है ई क्या है ईआरपी एक सॉफ्टवेयर है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो इंटीग्रेट कर देता है आपके सारे फंक्शनल एरिया को इंटू वन यूनिफाइड सिस्टम One unified system. आप ERP में वो medical वाला मैंने example दिया ना का software याद रखना। उससे याद रखना जो मैंने एग्जांपल दिया आपका परचेज का सेल का सबका बदला लेगा फैसल नहीं परचेज का सेल का ठीक है मेरी भी बैटरी डाउन हो गई है वैसे देखा जाए तो परचेस का सेल का एच आर का प्रोडक्शन का सब का फंक्शनल एरिया का हम डेटा इंटीग्रेट करके एक सिंगल सॉफ्टवेयर में पूरा एक ही जगह सेंट्रलाइज यूनिफाइड यूनिफाइड सिस्टम में पूरा डेटा मेंटेन करते हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम है उस सॉफ्टवेयर का नाम है ई देवो के देव हमारे हमारे माहिश के जो होने वाले राज सिंहासन में बैठने वाले इंसान है उनका नाम है ईआरपी समझ में आया तो ईआरपी सिस्टम इंक्लूड्स एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें जिसको मॉड्यूल्स बोलते हैं ये फोकस करता है किस पे बिजनेस एरिया पे जैसे फाइनेंसिंग पे इवन फाइनेंस का डेटा कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ अच्छा इस गुड्स में इतना पैसा खर्च हुआ इसको बेचने से इतना पैसा आया फाइनेंस का डेटा अकाउंटिंग का डेटा एच का डेटा कितने एम्प्लॉयज है कितने नहीं है प्रोडक्शन का डेटा हम खुद मैंने

तो ये हो गया, ERP. अच्छा इसमें होता होता है है क्या? क्या? जल्दी बता दो का अलग नहीं होता sales का अलग नहीं होता सारे के सारे फंक्शन का सारे के सारे डिपार्टमेंट का एक सेंट्रल डेटाबेस होता है एक सेंट्रल डेटाबेस होता है जहाँ सेंट्रली सारे इंफॉर्मेशन uh, सारे डेटा स्टोर किए जाते हैं तो ये एक सेंट्रल डेटाबेस होता है फ्रॉम विच ERP can जो स है यानी उसी एक सेंट्रल है उसी से सेल्स वाले भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं प्रोडक्शन वाले भी कर सकते हैं फाइनेंस वाले भी कर सकते हैं एच आर वाले भी कर सकते हैं एक सेंट्रल डेटाबेस हो, होता है जहां से सारे के सारे ईआरपी मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स यानी कि जितने भी जुड़े हुए हैं उस ई आर पी से सबके सब उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं समझ में आया क्या समझ में आया यस उसके बाद कंपनीज uh, बहुत सारी कंपनीज ई आर पी यूज करती हैं जो उनको सेव करती है सेव करती है फ्रॉम मेकिंग डबल एंट्रीज अब अगर आप ई आर पी नहीं यूज़ करोगे सेम चीज़ प्रोडक्शन में भी डालनी पड़ेगी के रिकॉर्ड में भी सेल्स के रिकॉर्ड में भी तो अगर आप ई आर पी मेंटेन करते हो तो आप डबल डबल आपको एंट्री नहीं करनी पड़ेंगी और सेम एक ही जगह इंफॉर्मेशन अपडेट करके आप उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो आपस में तो इससे आपका टाइम और इफेक्ट दोनों बढ़ जाता है ईआरपी इंप्लीमेंट करने के लिए आपको प्रिमाइसिस चाहिए सॉफ्टवेयर चाहिए वो जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो क्लाउड बेसिस पे होता है जैसे क्लाउड में कोई डेटा डेटा स्टोर है तो सब एक्सेस कर सकते हैं ना जैसे गूगल क्लाउड में इंफॉर्मेशन स्टोर है तो जितने लोग के पास गूगल है एंड्रॉयड है सब सब यूज कर सकते हैं गूगल वो क्लाउड का इन्फॉर्मेशन वैसा ही होता है ई आर पी क्लाउड बेसिस पे होता है जो भी उस क्लाउड से कनेक्टेड है वो सब उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं जो कि टेक्नोलॉजी का यूज करता है तो एक, एक होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इसको मैं डिटेल में नहीं समझाने वाली हूँ आई टी टर्म्स है सुने आईटी में आईटी में ई आस पास और एक होता है सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस याद आया तीन पढ़े थे इंफॉर्मेशन एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस तो इसमें आप क्लाउड का यूज करते हो पास का यूज करते हो ई का यूज करते हो सर, करते हो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और क्लाउड uh, uh, का यूज करते हो ईआरपी इंप्लीमेंट करने के लिए हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर देखा जाए तो ईआरपी फर्स्ट टाइम कब आया था 1990 में 1991 में 1991 लिबरलाइजेशन के टाइम पे किसने लाया था गार्टनर ने लाया था और इसको ना पहले एमआरपी नाम से फेमस था ये एम मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं एम मतलब मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग ई को पहले एम बोला जाता है मटेरियल मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग बाद में इसका नाम चेंज करके एम आर किया गया एम आर पी से एम आर पी टू आया और उसके बाद एम आर पी टू से ई आर पी आया पहले सबसे पहले एम आर पी आया था गार्टनर ने लाया था नाइन नाइन में उससे एम आर पी टू आया फिर ई आर पी आया बस इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हिस्ट्री में इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ई आर पी वर्क कैसे करता है हाउ डज ई आर पी वर्क तो देखो मैं पहले ही बता चुकी हूँ ई आर पी में एक सेंट्रल सॉफ्टवेयर होता है जिसको सब एक्सेस कर सकते हैं तो ई आर पी में एक सेंट्रल डेटाबेस होता है एक सेंट्रल डेटाबेस होता, होता है जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है जैसे कि मान के चलो मैंने सौ मेडिसिन परचेस की तो मैं वो इन्फॉर्मेशन ईआरपी सॉफ्टवेयर में डाल दूंगी अब वो उसमें फीड हो जाएगा ऑटोमेटिक सारे कैलकुलेशंस हो जाएंगे और सबको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सब उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं तो ईआरपी जो होता है वो आपके सेंट्रल डे, डेटाबेस पे वर्क करता है जिसपे सबसे पहले तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है फिर उसको स्टोर करता है टेबल के फॉर्म में और अलाउ करता है सारे यूजर्स को कि वो एक्सेस कर पाए सारा इन्फॉर्मेशन फॉर एनालिसिस समझ में आया एक सेंट्रल डेटा होता है जो इन्फॉर्मेशन लेता है उसको टेबल फॉर्म में स्टोर करता है और अलाउ करता है कि जिसको जब जरूरत हो ले लो जिसको जब जरूरत हो ले लो अलाउ करता है यूजर को कि जब भी उनको कोई डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो क्विकली एक्सेस कर पाए समझ में आया तो ये कुछ नहीं एक सॉफ्टवेयर है जैसे आपके फोन में बहुत सारे एप्स होते हैं ना कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं ना जैसे टैली टैली क्या एक सॉफ्टवेयर है ई आर पी कुछ नहीं एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपना पूरा डेटा बेस स्पेश मटीरियल स्टॉक्स वगैरह का पूरा डेटा बेस मेंटेन कर सकते हो ठीक है अब ये हो गया इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉयज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट मैनेजिंग देयर ओन स्प्रेडशीट रिपोर्ट अगर ईआरपी नहीं होता तो क्या होता है हर employees, हर डिपार्टमेंट वाले अपना अलग अलग डेटा मेंटेन करते हैं सेल्स वाले अलग डेटा मेंटेन कर रहे हैं प्रोडक्शन वाले अलग कर रहे हैं तो ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अलग अलग स्प्रेडशीट मेंटेन करते हैं बट ईआरपी की मदद से वो एक सिंगल सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में सिंगल डेटा मेंटेन कर सकते हैं जो कि सेंट्रल डेटा में स्टोर होता है तो इससे क्या होता है जिसको जब जो इंफॉर्मेशन चाहिए तब वो इंफॉर्मेशन ले लो तो डुप्लीकेसी हट जाती है टाइम से हो जाता है कॉस्ट से हो जाता है और जिसको जब जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो टाइमली मिल भी जाता है समझ में आया समझ में आया क्या ठीक है तो इसके एडवांटेजेस क्या है बहुत लड्डू कॉस्ट सेव होता है एफिशिएंसी इंप्रूव होती है एक single, single, uh, single है एक एक सिंगल 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 ही जगह पे इंफॉर्मेशन स्टोर होता तो स्टैंडर्डाइजेशन रहता है और आप आप क्या है ना डे टू डे मैनेजमेंट में उलझ नहीं जाते हो अगर आप दिन का यही देखने में पूरा उलझ जाओगे कितनी पैरासिटामोल बिकी तो आप दिन भर यही करते रह जाओगे तो बिजनेस को इनोवेट करने में कब ध्यान दोगे आपका ये रूटीन वर्क सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑटोमेट कर दो ये रूटीन वर्क में आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है रूटीन वर्क जो है आपका मटेरियल मैनेजमेंट का उसको सॉफ्टवेयर के ऊपर छोड़ दो तो आप इनोवेशन में ध्यान दे पाओगे आप अपने बिजनेस को ग्रो करने में ध्यान दे पाओगे ईआरपी क्या होता है रियल टाइम बिजनेस डेटा इसमें अवेलेबल होता है ईआरपी में जैसे ही को, कोई सेल हुआ तुरंत मैंने डेटा डाल दिया रियल टाइम सारे कैलकुलेशन कर देगा जिसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए तुरंत के तुरंत अपडेट हो जाती है तुरंत के तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी मेरे को जब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को तुरंत वो इन्फॉर्मेशन दे देगा तो उसको बोलते हैं रियल टाइम डेटा अवेलेबल होता है और वो शेयर इसमें ना आप थर्ड पार्टी पार्टनर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो जैसे मान के चलो अगर मैं मेरी एक फार्मा कंपनी है मैं दूसरी फार्मा कंपनी के साथ पार्टनर बन रही हूँ तो मेरे को अपना डेटा उसके साथ शेयर करना है तो ईआरपी में ये भी सिस्टम होता है कि आप अपना सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ पर्टिकुलर पर्सन के साथ को के मेरे को मान के चलो कि मेरे को नमिता था पर कि फार्मा के साथ पार्टनर करना है तो मैं चाहती हूँ सिर्फ उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना तो मैं अपना पी का डेटा प्राइवेटली नमिता थापर के साथ भी शेयर कर सकती हूँ उसकी कंपनी के साथ भी आप प्राइवेटली किसी थर्ड पार्टी के साथ भी शेयर कर सकते हो इसके बेनिफिट्स क्या है कि आप इजिल डेटा शेयर कर सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली एक सेंट्रल डेटा सिस्टम है जो कि सब एक्सेस कर सकते हैं जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तब वो मिल जाएगा सेंट्रलाइज मेरे पास रिकॉर्ड है कहाँ कितनी मेडिसिन है कितनी मेडिसिन बिकी कि, कितनी मेडिसिन परचेज है तो जब भी प्रोडक्शन वाले को कोई डेटा चाहिए वो भी ले लेगा कोई ऑर्डर

ऑटोमेट करने की जरूरत उतनी पड़ती जाती है आप उसको मैनेज नहीं कर सकते थोड़े मोड़े ट्रांजेक्शन आप मैनुअली मैनेज कर सकते हो बिजनेस जितना कॉम्प्लेक्स होते जाता है आप उसको आप उसको उसको मैनेज मैनेज नहीं कर कर सकते सकते ईआरपी के थ्रू हो अब क्योंकि सब सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी कम होती है मैनुअली आप लिखोगे तो लिखने में गड़बड़ी हो सकती है तो सॉफ्टवेयर है तो सब ऑटोमेट होता है तो रिस्क कम हो जाएगा डेटा शेयरिंग अलाउड रहती है तो आप कोलेबोरेशन कर सकते हैं जैसे अगर मेरे को किसी दूसरी फार्मा कंपनी के साथ कोलेबोरेशन करना है तो मैं इजिल ईआरपी के थ्रू डेटा शेयर कर सकती हूँ और बेटर बिजनेस लेस इंटेलिजेंस होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेटर होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी प्रॉपर प्रोसेस जो आप सप्लाई करते हो आप किस तरह से अपना गुड्स पूर, पूरा पूरा मेडिसिन डिलीवर करते हो तो वो ईआरपी की मदद से बेहतर हो जाता है समझ में आया अब देखो ये बेनिफिट्स भी वही हैं और ये इंपॉर्टेंस और एडवांटेज भी वही हैं एक ही बात है अलग-अलग तरीके से उसी चीज को बार-बार लिख दिया गया है अब उसी उसी चीज को फिर से बार बार लिख दिया गया एडवांटेज क्या है देखो सेम है ना सेम है उसी चीज को बार बार लिख दिया गया है पैसा सेव होगा ऑब्वियसली यूनिफाइड सिस्टम रहेगा सिंगल सिस्टम रहेगा तो आईटी के एक्सपेंस कम हो जाएंगे अलग अलग डेटा मेंटेन करने की प्रॉपर विजिबिलिटी रहेगी क्योंकि जब जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तब वो ले लेगा प्रॉपर रिपोर्टिंग रहेगी प्लानिंग रहेगी और बेटर कंप्लायंस और डेटा सिक्योरिटी भी रहेगी जो ए आर सॉफ्टवेयर होता है बहुत सिक्योर होता है तो किसी बाहर वाली पार्टी के साथ नहीं शेयर होता है सिर्फ हम जिसके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे उसी के साथ शेयर होगा तो सिक्योरिटी रहती है डिसएडवांटेज क्या है एक बार अप फ्रंट कॉस्ट बहुत आएगा क्योंकि जो ए आर पी होते हैं ना वो खरीदने पड़ते हैं आपको जैसे आई टी सी आई टी सी बोल रही है सॉरी जितनी भी आईटी कंपनीज हैं जो ये ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाती हैं, जैसे विप्रो हो गई जैसे टीसीएस हो गई आपको इन कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना ये वन टाइम बहुत महंगे आते हैं तो वन टाइम कॉस्ट बहुत लगेगा वन टाइम कॉस्ट बहुत लगेगा ए आर सॉफ्टवेयर एक्चुअल बहुत महंगे आते हैं

थोड़ा तो वैसे ई सॉफ्टवेयर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इसको चलाने के लिए आपको थोड़ा इंप्लीमेंट करने के लिए डिफिकल्ट होता है कोचिंग वोचिंग देनी पड़ती है चेंज मैनेजमेंट करना पड़ेगा आप पूरा मैनुअल से पूरा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक में शिफ्ट हो रहे हो तो आपको चेंज को मैनेज करना पड़ेगा वरना लोग अडोप्ट नहीं करेंगे ठीक है और जो कोर होते हैं वो थोड़े लेस सोफिस्टिकेटेड होते हैं यानी कि थोड़े अः क्या होते हैं कंपेयर टू टारगेटेड स्टैंड लॉन्न सॉफ्टवेयर तो ये क्या हो जाए फ्लेक्सिबल कम होते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एकदम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एकदम टेलर मेड बनवा लूंगी थोड़े सोफिस्टिकेटेड कम होते हैं तो ये हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस करना पड़े और कंट्रोल करना पड़े तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं आपके ईआरपी सॉफ्टवेयर के समझ में आए ठीक है तो इसी के साथ अपना ई होता है कंप्लीट और फाइनली अपना चैप्टर नंबर सिक्स होता है कंप्लीट साढ़े ग्यारह बज गए मुझे लगा ही था इतना टाइम लग जाएगा ठीक है तो इसके पास एग्जाम क्वेश्चन सारे कर लेना एवरेज वेटेज मैं आपको बता चुकी हूँ छह से आठ मार्क्स का वेटेज है ये चारों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीआर बिजनेस प्रोसेस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिक्स सिग्मा और अमेंडमेंट है तो ये पांचों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको कर लेना बाकी तो इंडस्ट्री वगैरह तो छोटे छोटे टॉपिक है तो इसके कल के कल प्लीज प्लीज कल के कल इसको रिवाइज कर लेना इस चैप्टर को इसके सारे पास एग्जाम क्वेश्चन और जो एडिशनल एमसीक्यू मैंने एक एमसीक्यू बुक दी है आपको वो सब सॉल्व कर लेना

ठीक है और फिर मिलेंगे चलते चलते कोई भी दिक्कत हो प्रिपरेशन में मोटिवेशन में स्ट्रेटजी में कभी भी आई एम जस्ट वन पिंग अवे एक पिंग करना आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस ठीक है इसी के साथ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अच्छे से अच्छे से पढ़ाई करना अच्छे से प्रिपरेशन करना और ऑल द बेस्ट अच्छे से पढ़ाई करना डिसम्बर अटैम्प फोड़ के रहेंगे डिसम्बर अटैम्प क्लियर करके रहना है पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना एकदम हंसते खेलते पढ़ना खुश होके पढ़ना पॉजिटिव एटीट्यूड लेके पढ़ना ठीक है ज्यादा टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं थैंक यू फॉर योर पेशेंस साढ़े 11:30 बजे तक जगने के लिए जाओ सो जाओ बाय-बाय गुड नाइट गुड नाइट बाय गुड नाइट मैम आपके दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली बाय-बाय बाय बाय बाय